Hare Krishna. I'm grateful to be here amongst all of you today, and it is inspiring to see so many hundreds of devotees taking up the path of bhakti, although so far away in a country different from India. As Shivaprabhu mentioned right at the beginning, I have been in America, Canada, and other parts of the Western world. Just came back last week to India. No, I can speak in Hindi. But the PowerPoint will be in English. That's okay. Okay, fine. So, आज मैं कृतज्ञ हूँ कि आप सबके बीच में यहाँ पे आप सबकी जो दिव्य भक्ति का उत्साह है ये देखने का मौका मिल रहा है. सारे विश्व भर मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सैकड़ों की मात्रा में आप सब भक्ति कर रहे हैं. ये आप सबके उत्साह और भगवान की कृपा, ये दोनों का दिव्य संगम है. आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा. यू हैव अ क्लिकर और यू विल पुश इट फॉरवर्ड. तो कि हम आध्यात्मिक जगत कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं. तो ये जो प्रवचन है मैं चार विभागों में लूंगा और हर एक विभाग के बाद एक 10-10 मिनट का होगा. उसके एक सवाल अगर किसी को होगा हम ले सकते हैं और इस तरह से हम आगे जाएंगे. तो चार विभाग जो है, कैन गो अहेड, कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है, इमिग्रेट करना है, तो उसके लिए चार चीजें अधिकांश रूप से. सबसे पहले इच्छा होती है. अगर आप भारत में थे, भारत से अभी यहाँ पे दुबई में आए हैं, कुछ लोग यूरोप में जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका में जाते हैं, तो इच्छा होती है सबसे पहले. तो अगर इच्छा नहीं है तो कोई जाएगा नहीं. पर इच्छा ये शुरुआत है, ये पर्याप्त नहीं है. इच्छा के बाद में फिर पात्रता है. अभी कोई भी अगर और समृद्ध देश है, वह किसी और व्यक्ति को ऐसे ही लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि पात्रता क्या है वो देखना है. तो हम पात्र आध्यात्मिक जगत में भी जाना है तो सबसे पहले इच्छा चाहिए, फिर पात्रता क्या है वो देखते हैं. उसके बाद में सिर्फ पात्रता है उतना पर्याप्त नहीं, उसके बाद में एक पद्धति होती है, जिस पद्धति के द्वारा हम यहां से वहां जा सकते हैं. वो पद्धति, वो प्रक्रिया जो हम जब अनुशीलन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लग जाते हैं. और आखिरी है कि जब कोई ऐसे देश में जाना है वहां पे आसान नहीं है वीजा मिलना, इमिग्रेट होना, तो फिर हमारा जो उत्साह होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारी जो भावना होती है, उसको उत्साह को कैसे बरकरार रखें ताकि हम जो हमारे प्रयास में अग्रसर रहें. तो यही चार जो है, हम आध्यात्मिक जगत के जाने के लिए कैसे हम यह लगा सकते, इस विश्लेषण कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले है उत्साह, सॉरी इच्छा. तो अगर इच्छा बोलेंगे हम, तो फिर सवाल आता है कि किसी को आध्यात्मिक जगत जाना है तो अभी आध्यात्मिक जगत है भी या नहीं ये किसको पता है. अब अमेरिका है, कनाडा है, हमको पता है, पर क्या यह आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व ये केवल कुछ लोगों की एक संकल्पना है, कोई कल्पना है उनकी बस, भी ये हो सकती है. पर इसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण भी कर सकते हैं. भी हम सब में एक बहुत मूल की ऐसी इच्छा है कि वी ऑल वॉन्ट टू लिव फॉर एवर एंड टू लव फॉर एवर. हम सब हमेशा जीना चाहते हैं और हम हमेशा प्रेम करना चाहते हैं. दुनिया में सैकड़ों लाखों हजारों के रूप में मूवी संख्या में मूवीज होते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, अधिकांश ये रोमांस पे होते हैं. और रोमांस में क्या होता है कि हम हमेशा जीना चाहते हैं, हमेशा प्रेम करना चाहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये भाव होता है उसमें. अभी अगर हम हमारे आजकल की हमारे दुनिया में देखेंगे, अगर हम केवल भौतिक शरीर ही है, अगर हमारे में कुछ आध्यात्म है ही नहीं, कुछ आत्मा वगैरह नहीं है, तो हम सब में ऐसे शाश्वत जीने की, शाश्वत प्रेम करने की इच्छा आती कहां से है? हमारे आजू बाजू में सब कुछ अस्थाई है. बड़े बड़े पहाड़ भी हो गए, वो भी उनकी जीवन राशि है, वो भी अस्थाई है.
मैं न्यूयॉर्क में था, वहां पर जहां पर ट्विन टॉवर्स था, जब ट्विन टॉवर्स गिर गया तो वो केवल एक इमारत नहीं गिरी, वो ट्विन टॉवर एक प्रतीक था पाश्चात्य संस्कृति के सुरक्षितता और समृद्धि का, और वो गिर गया मतलब वो जो भाव धारे और ये प्रगति स्थायी है वह मोह विचलित हो गया। तो वास्तव में इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो अगर हम केवल इसी जगत के ही वासी है और इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम में स्थायी शाश्वत जीवन की इच्छा आती क्यों है, कहां से आती है? मान लीजिए अगर कोई अफ्रीका में एक कोई ऐसा ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है, और अचानक एक लड़का घर जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ माँ मुझे पिज्जा चाहिए। अभी माँ क्या पूछेगी उसको, क्या पूछेगी, पिज्जा क्या होता है? या भले ही माँ को पता भी होगा तो फिर भी माँ का सवाल क्या आएगा, तुमको कैसे पता? उस हमारी जो इच्छाएं आती है वो हमारे वातावरण से आती है, हमारे आजू बाजू की जगह से आती है। अगर हमारे आजू बाजू की परिस्थिति में कुछ भी ऐसे नहीं हो कि किसी को पिज्जा पता ही ना चले तो फिर पिज्जा की इच्छा आएगी कहां से? तो उसी तरह से हमारे आजू बाजू में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, फिर भी हम सब में शाश्वत जीवन की इच्छा है, ये इच्छा आती कहां से? तो हमारे जो है एक रहस्यमय इच्छा है कि मैं शाश्वत जीना चाहता हूं। मान लीजिए अगर यहां से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, यहां से जब आप जाएंगे आप वस्तु से क्लीनिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी को एक सोने का रिंग मिल गया तो अभी तुरंत सवाल उठेगा, ये कहां से आया, ये जमीन तो सोने की नहीं है, दीवार सोने की नहीं है, तो ये सोना और बाकी जमीन जो है इसका इतना अलग स्वभाव है कि सवाल है ये आया कहां से। तो उसी तरह से जो हम इस भौतिक जगत में सब कुछ अशाश्वत है और हम सब में जो इच्छा है शाश्वत जीवन की, ये इतनी विलक्षण है, इतनी अलग है हमारे भौतिक वातावरण से, तो ये सवाल आएगा ये आया कहां से। तो इस तरह से ये हम तर्क कर सकते हैं कि संभावना तो है कम से कम कि हम में हमारा कोई ऐसा भाग है, हमारी जो इच्छा है ये बाहर से नहीं आई है तो शायद अंदर से आई है, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो शाश्वत है और जो शाश्वत जीवन की आकांक्षा करती है, जो शाश्वत जीवन की अभिलाषा करती है। तो यह जो शाश्वत है यह हम शास्त्र से पता कर सकते हैं। तो अभी कैसे है, हमारा जो रीजन है, हमारा जो तर्क बुद्धि है वो एक टॉर्च लाइट के समान है और शास्त्र जो है वो सनलाइट के समान है। हमारे जो टॉर्च फ्लैश लाइट अगर हमारे फोन में होता है उससे हमको थोड़ा बहुत कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, बस सूरज उग जाता है तो स्पष्ट रूप से दिखता है। तो उसी तरह से जो हमारे तर्क से हम धुंधले पद्धति से समझ सकते कि शायद कुछ होगा वह शास्त्रों के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। शास्त्र बताते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदंततम, कि जो हमारी आत्मा है जिसकी चेतना सारे शरीर में जाती है वो अविनाशी है और जो आत्मा है वह एक दूसरे जगत को का है। वो आठवें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ चीजों का नाश हो जाएगा पर वह एक जगत है जिसमें नाश नहीं होगा और हम उस जगत के वासी हैं वास्तव में। तो अभी मैं दो चीजें बोला, हम सबको हमेशा जीने की और हमेशा प्रेम करने की इच्छा है, टू लिव फॉर एवर एंड टू लव फॉर एवर। तो एक निष्कर्ष हमने निकाला कि हमें जो इच्छा आती कहां से है, कि हमें कुछ ऐसा भाग है जो शाश्वत है, जो शास्त्र बताते हैं हमारे आत्मा है और हम सबको इच्छा है कि हम सदैव प्रेम करें। तो अभी वो शाश्वत प्रेम करने की इच्छा वो कहां से आती है, वो बताते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि वो भगवान से आती है। ममैवांशो जीव लोके, हम सब भगवान के अंश हैं और इस जगत में
जो भी चीज आकर्षक है, कोई व्यक्ति आकर्षक हो, कोई कोई जगह आकर्षक हो, कोई दृश्य आकर्षक हो, सब भी चीजें जो आकर्षक है उनका आकर्षण भगवान से आता है। सब चीजों का आकर्षण एक भगवान का अंश है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। कहते हैं कि सब आकर्षक चीजों का जो आकर्षण है वह मेरा एक अंश है। अभी इसका मतलब क्या है कि भगवान एक आकर्षण के सागर है और इस जगत में जो भी आकर्षक चीजें हैं वो एक आकर्षण की बूंद के समान है और या एक बूंद भी बहुत आकर्षक है। जब हम कोई व्यक्ति को देखते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है या बहुत टैलेंटेड है किसी फील्ड में, तो लोग उनके आकर्षण पे फिदा हो जाते हैं। पर वो जो है कितने समय के लिए, 10-20-30 साल के लिए वो आकर्षण रहने वाला है। तो फिर मेरा एक मित्र है कैलिफोर्निया में, वो भी सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, कि पोस्ट सेलिब्रिटी लाइव्स ऑफ सुपरस्टार्स, जो खास करके जो स्पोर्ट्स स्टार्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स और मूवी स्टार्स, उनका जो सेलिब्रिटी होती है, उनकी जो ख्याति होती है, फेमस फेम जो होता है 15-20 साल के लिए होता है। और खास करके फीमेल स्टार्स होती है, स्त्रियां होती है, तो फिर और भी छोटा होता है, 10-12 साल का होता है। तो उसके बाद में वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, मैं इतना फेमस था, मैं इतनी फेमस थी, अभी क्या हो गया। तो यहाँ पे हम सब में दुनिया में बहुत सी चीजें आकर्षण होती है, पर उनका जो आकर्षण है वो एक बूंद के समान है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस बूंद से हम इतना आकर्षित हो जाते हैं तो फिर सागर से कितना आकर्षित होगा। तो वह जो है भगवान है। अभी एवरीथिंग अट्रैक्टिव कम्स फ्रॉम कृष्णा, बट एवरीथिंग अट्रैक्टिव डजंट टेक अस टू कृष्णा। इस दुनिया में सब चीजें जो आकर्षक है वह भगवान से ही आती है, पर सब चीजें जो है भगवान के पास नहीं ले जाती हमको। दुनिया की जो आकर्षण है वो भी भगवान से ही आती है, पर उसमें कुछ सात्विक आकर्षण होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं। अभी शराब के ओर भी लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं और शराब का आकर्षण भी भगवान से ही आता है, पर वो शराब पिए गए तो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करेगा, भगवान का विस्मरण करेगा, तो उससे व्यक्ति भगवान की ओर नहीं जाएगा। पर जो सत्व है और जो शुद्ध सत्व है, अभी हम भगवान के मंदिर में आएंगे, भगवान का विग्रह का दर्शन करेंगे, उस कोई बहुत सुंदर मधुर कीर्तन करते हैं। अभी कोई बॉलीवुड का कोई गाना गाने वाला संगीतकार है, उसकी संगीत की शक्ति भी भगवान से ही आती है, और जो कोई भक्ति में भगवान के भजन कीर्तन कर रहा है उनकी संगीत की शक्ति भी भगवान से ही आती है। पर जो भौतिक वासनाओं को प्रलोभित करने वाला गाना गा रहा है उससे हम भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा आकर्षण है वह हम चाहते स्थाई रहे, वो स्थाई उसके लिए जो वस्तु है वह भगवान है। तो भगवान की ओर आकर्षित हो जाए तो एक आनंद का हमें सागर की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये समझ कर कि हमारा हम आत्मा के स्तर पर स्थाई जीवन जी सकते हैं और भगवान से स्थाई प्रेम कर सकते हैं, और ये दोनों कहाँ होता है, आध्यात्मिक जगत में होता है। तो ये दोनों को समझ के आध्यात्मिक जगत जाने की, जहां पे सदैव प्रेम सदैव आनंद की अनुभूति हो सकती है, वो इच्छा जागृत कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। किसी का सवाल है कोई अभी तक पे? यस जी, माइक है या आप बोलिए, मैं दोहराता हूं। डजंट टेक अस टू कृष्णा। अच्छा, तो अभी जो शराब है वो अगर कृष्ण को हमें कृष्ण के पास हमें लेने जा रहे हैं तो वो आकर्षक क्यों है, कैसे आकर्षक है? अच्छा सवाल है। मैं मेलबर्न में कुछ समय पहले क्लास दे रहा था, वहां पे एक भक्त ने सवाल पूछा कि भगवान अगर हम कहते सही मार्ग पे चले तो जो सही अल्टरनेटिव है वो इतना कम होता है और जो गलत अल्टरनेटिव इतने सारे होते हैं, ये गलत करना है गलत करना है गलत करना है, इतने सारे मार्ग है गलत करने के, सही करने के मार्ग बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है? तो मैं बताता, हर मल्टीपल चॉइस एग्जाम में ऐसे ही होता है
अभी अगर कोई मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, परीक्षा है, तो उसमें 5 पर्याय होते हैं, उसमें से कितने पर्याय गलत होते हैं? 4 गलत होते हैं, और वो 5 पर्याय टीचर से ही आ रहे हैं, पर सब टीचर के पास नहीं जा रहे. तो यह जो है, तो यह जगत जो है हमारे एक तरह से परीक्षण के लिए है कि हम अगर हम जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा पूर्ति करने का मौका यहां पे मिलता है. द वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड रेक्टिफिकेशन. एक्सपेरिमेंटेशन मतलब अनुभव करो, ये आनंद देगा, ये आनंद देगा, ये आनंद देगा, ठीक है. जो चाहते हैं आनंद करने का, आनंद मिलेगा वो प्रयास कर लो, और जब नहीं मिलेगा आनंद तो रेक्टिफिकेशन, तो फिर सुधार करो. तो सुधार करना है तो फिर भगवान ने भक्ति का मार्ग दिया है, अलग अलग धर्मों के द्वारा, अलग अलग संतों के द्वारा हमको उनकी ओर आकर्षित करने के लिए वो मार्ग देते हैं. तो हर चीज का आकर्षण भगवान से आता है क्योंकि भगवान ने हमें स्वेच्छा दी है, और उनकी स्वेच्छा के अनुसार अगर हम कुछ इच्छा करते हैं, गलत इच्छा भी करते हैं, भगवान उसके लिए हमें मार्ग देते हैं अनुभव करने का. और फिर वो जब अनुभव कर लेते हैं, जब हम समझते हैं कि इससे सुख नहीं मिलेगा, तो फिर भगवान क्यों जाते हैं? भगवान हमसे एक प्रेम का संबंध चाहते हैं, वो जबरदस्ती हमसे संबंध नहीं जोड़ना चाहते. अगर कोई लड़का किसी लड़के से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी विवाह करोगे, बोलते नहीं, और तुरंत वो एक बंदूक निकाल लेता है, शादी नहीं करोगे गोली मार दूंगा तुमको. तो अभी उसमें प्रेम, भले हाँ बोल देगी वो, तो उसमें कुछ प्रेम नहीं है. तो भगवान ऐसे नहीं करते, हमें जो इच्छा है हमको उसको अनुभव करने का मौका देते हैं, और जब हमें पता चलता है कि इससे सुख नहीं मिलता है, तो फिर वो हमारे हृदय में है हमें सही मार्ग पिलाने के लिए. ओके, थैंक यू. तो दूसरा पॉइंट अभी हम देखते हैं. जब सबसे पहले मैं बोला कि आध्यात्मिक जगह जाना है तो क्या है? इच्छा. फिर अब इच्छा हो गई. यस, वी विल एक क्वेश्चन हर एक बार, और एंड में हम समय लेंगे तो और क्वेश्चन देंगे. ओके, थैंक यू, कि अदरवाइज हम पूरा नहीं कर पाएंगे ये. तो दूसरा है कि जाना है कहीं तो पात्रता चाहिए. पात्रता अभी क्या है कि अभी कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं दूसरे देश से लोग आए. अभी अमेरिका में इमिग्रेशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो अभी देश इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, तो लोगों को बहुत चिंता होती है. मैं अभी अमेरिकन कॉलेज में जा रहा था, और कैनेडियन कॉलेज में भी लेक्चर दिए मैंने कहीं, तो मैं बहुत मैसाचुसेट्स और हार्वर्ड दोनों में था, तो वहाँ पे पिछले 2-3 सालों से जो भारतीय विद्यार्थी जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है. और फिर मैं कैलगरी यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे बहुत से विद्यार्थी भारत जाने लगे. तो क्या है कि वहाँ पे अभी जाना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, रहना मुश्किल है. तो कुछ कुछ ऐसे देश होते हैं जो दूसरे लोगों को आने ही देना नहीं चाहते, तो फिर पात्रता का जो दर्जा है वो बहुत ऊँचा कर देते हैं, बहुत ही कम लोगों को आने लगे. तो आध्यात्मिक जगत ऐसे नहीं है. आध्यात्मिक जगत में वास्तव में भगवान चाहते हैं हम क्या है. तो हमारी पात्रता क्या है? हमारी पात्रता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं. भगवान हमारे हमारे परम पिता है. पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह. वो कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं, और वो सबसे प्रेम करते हैं. और यहां पे हमें समझना चाहिए कि भगवान जो प्रेम करते हैं वह हमसे किस तरह से करते हैं. इसलिए नहीं है कि हम अच्छे हैं. भगवान प्रेम करते हैं इसलिए क्योंकि वे भगवान हैं. भले ही हम भौतिकवादी हो, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान भक्तवत्सल है, वो भक्तों का बहुत ख्याल करते हैं, भक्तों का बहुत प्रेम करते हैं. पर प्रहलाद महाराज जी भी बताते हैं कि भगवान कृपणवत्सल है. कृपणवत्सल मतलब भौतिकवादी है, जो बहुत संकीर्णवादी है, भौतिक उनके उनको भी स्नेह करते हैं. तो भगवान एक सूरज के समान है, सबको रोशनी देते हैं. तो कृष्णाज लव फॉर अस डजंट डिपेंड ऑन हु वी आर. हम भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, हम पुण्यवान हो, पापी हो, भगवान सबसे प्रेम करते हैं. और भगवान हमसे प्रेम करते हैं यही हमारी पात्रता है भगवान धाम जाने के लिए. क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं इसलिए भगवान की इच्छा है हम के भगवत धाम जाए, और उनकी इच्छा होने के कारण हमें जाना, हमारी पात्रता पहले से है एक तरह से. पर इसमें एक महत्वपूर्ण है
कि कभी कभी हम सोचेंगे कि ये आध्यात्मिक जगत क्या है, हम एक ब्रह्मांड के कोई चित्र देखेंगे, ठीक है ये भौतिक जगत है और ये आध्यात्मिक जगत है। तो अगर हम विश्व का नकाशा देखते तो ये भारत है, यहाँ पे चीन है, ये अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा है, तो यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो ऐसे हम सोचेंगे ये भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। पर आध्यात्मिक जगत जो है वह वास्तव में वो केवल एक ऐसे भौगोलिक स्तर पे जगह नहीं है, इट इज नॉट अ जियोग्राफिकल लोकेशन, वो अलग ही स्तर पे जगत है, वो आध्यात्मिक है। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट नॉट जस्ट एट अनदर प्लेस बट एट अनदर लेवल ऑफ रियलिटी। और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमें उचित चेतना चाहिए। तो ऐसे जगह महत्वपूर्ण है, चेतना महत्वपूर्ण है। तो वो चेतना क्या है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें भगवान से प्रेम करना है। तो अगर गो है इसीलिए नॉट रिलोकेशन बट रीडायरेक्शन, हमें भगवान से प्रेम करना है। अगर पहले बोला अभी हम पात्रता है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज समझना है कि वास्तव में हम सब इतने भौतिक है, हम सब इतने बद्ध है, अनेक हमारे कमियां हैं, तो हम एक तरह से पात्र नहीं है। वी आर ऑलवेज अनक्वालिफाइड बट वी आर नेवर डिसक्वालिफाइड। डिसक्वालिफाइड मतलब हमको मौका ही नहीं आएगा, कोई डिसक्वालिफाई हो गया मतलब उसको प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका ही नहीं है। अनक्वालिफाइड मतलब कि वास्तव में हमें पात्रता नहीं है, पर भगवान इतने कृपालु है, वह चाहते हैं कि हम सब उनके पास आए। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, हमें जो मैंने बताया कि हमें हमारा चेतना भगवान की ओर लगानी है। मैंने बताया सूरज सबको रोशनी देता है, कोई पुण्यवान हो पापी हो, पर किसी ने अगर अपनी आंखें बंद कर ली है तो उनको सूरज देखने आनी दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह से हम भगवान के प्रति आंखें कैसे बंद कर सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो फिर हमारा पूरा जीवन वो भौतिक चीज पे केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर भगवान की ओर हम देख ही नहीं रहे, एक तरह से हम भगवान की ओर अंधे हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई टीवी देख रहा है, कोई बच्चा है, कोई हॉरर मूवी देख रहा है, और वो हॉरर मूवी देखने में इतना लग गया है, वो लीन हो गया है, अभी हॉरर मूवी बहुत भयानक हो रहा है, तो कांप रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अभी उसकी माँ बाजू में घर में ही है, पर जब तक उसकी चेतना उस हॉरर मूवी में है उसको अपनी माँ का एहसास भी नहीं होगा। तो क्या होता है, ठीक उसी तरह से जितना हम भौतिक चीजों में हमारी चेतना लग जाती है उतना हमें भगवान का अस्तित्व की महसूस ही नहीं होती है। भगवान से प्रेम की बात तो दूर ही रहे, भगवान का अस्तित्व तभी महसूस करते हैं हम या सोचते हैं शायद भगवान है कि जब हम चाहते हैं कुछ और नहीं हो रहा है तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप ये कर दो मेरे लिए। तो तभी क्या होता है, भगवान से जो लोग भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं वो भी एक सेवा करते हैं भगवान के। क्या है, एवरीवन लाइक्स टू सर्व गॉड एज एन एडवाइजर। सब लोग भगवान को मशवरा देना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे करो आप। तो क्या होता है कि हम अगर हमारी जो आसक्ति है वह पूरी नहीं हो रही है तो फिर हम भगवान को की मांग करते हैं, मदद की मांग करते हैं, या भगवान को कोसते हैं तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे। पर उसके हमारी जब आंखें किसी भौतिक चीज पर आसक्त हो जाती है तो हमारी आंखें खुली नहीं है कि भगवान को देख सके, भगवान के प्रेम को समझ सके। पर हमारी पात्रता यह है कि भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भगवत नाम आ जाए। कैन गो बैक। तो यह पात्रता हमारी भगवान के प्रेम हमसे प्रेम करते इसके द्वारा आती है। तो कोई सवाल है किसी का इस अभी तक? ओके पहले वाला वो आगे जा रहा है, आगे वाला आने वाले। Can go behind? This one? अच्छा वो अभी आने वाला है। ओके सो लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। तो अभी पद्धति या प्रक्रिया, जैसे मैं बताया अभी कि पद्धति क्या है कि हमको सिर्फ यहां से भगवत धाम ऐसे कोई प्लेन पकड़ के जाना नहीं है। भले ही अगर हम भगवत धाम चले भी गए किसी पद्धति से, अगर हमारी आसक्ति भौतिक है तो हम कृष्ण के साथ हो गए और तभी हम पूछेंगे अरे
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच का स्कोर क्या है? या स्टॉक मार्केट का रेट क्या है? वहां पे सब भगवान से प्रेम करते हैं, सब भगवान की लीला में लीन है, चेतना के स्तर पे। तो अगर हमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वी विल बी आउट ऑफ प्लेस देयर, हमें वहां पे कुछ रस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए सिर्फ हमें एक शारीरिक स्तर पे केवल यहां से वहां नहीं जाना है, हमारी चेतना को वहां पे ले जाना है। तो इट इज भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना, खुद के और भौतिक चीजों से प्रेम से भगवान की सेवा के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम। जब हम जागृत करोगे करेंगे तो उसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम अभी ही भगवत धाम में हैं। मैव मना धत्स्व मई बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। वो कहते हैं 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि अगर आपके मन और बुद्धि मुझ में लग गई है तो तुम अभी ही मुझ में निवास कर रहे हो, तुमने मुझे प्राप्ति कर ली है। इस स्तर को कहते हैं जीवन मुक्ति। दो प्रकार की मुक्तियां होती है, एक है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और आध्यात्मिक जगत चला जाता है। पर जीवन मुक्ति मतलब वो व्यक्ति अभी शरीर में है पर शरीर से आसक्ति छूट गई है, वो शरीर का इस्तेमाल केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो होता है वह केवल अभी ये शरीर कालावधि जब तक है तब तक भौतिक जगत में है, उसके बाद में जैसे ही शरीर की कालावधि खत्म हो जाएगी वो भगवत धाम चले जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए प्रक्रिया क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। तो अभी अगर ये प्रक्रिया है तो अभी समझना है हमें कि अभी भगवान कहाँ है। भगवान आध्यात्मिक जगत में है तो हमें लगा कि भगवान तो बहुत दूर है मुझसे, मैं तो यहाँ पे भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ। तो कभी कभी हम ऐसे लगेगा कि भगवान से इतना दूर हूँ, भगवान तक कैसे पहुँच पाऊंगा मैं। पर वास्तव में भगवान बहुत दूर है और बहुत पास भी है। ईशो पिछले में बताया गया तद दूरे तद्व अंतिके। तो मान लीजिए अगर आप किसी रईस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो आप यहां से न्यूयॉर्क जा रहे हैं और आपने वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनसे मिलने जा रहे हैं पर आपने कभी उनको देखा नहीं है, का चित्र भी देखा नहीं है। तो तभी आप आपके प्लेन में बैठते हैं यहाँ से और फिर न्यूयॉर्क जाते हैं, न्यूयॉर्क में कैब लेते हैं और फिर व्यक्ति के घर में जाते हैं और फिर दरवाजा ठकठकाते हैं, फिर व्यक्ति दरवाजा खोलते हैं और फिर देखते हैं और फिर हम चौंक जाते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने दरवाजा खोला, जिनसे हम मिलने गए थे, वो व्यक्ति हमारे ही बाजू में हमारे ही फ्लाइट में बैठे हुए थे पर हम उनको जानते नहीं थे, हमने उनको पहचानते नहीं थे, इसलिए हमको पता ही नहीं था ये व्यक्ति है। तो ठीक उसी तरह से क्या है, भगवान हमारे हमेशा साथ में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वहां कहते हैं कि सब मेरे मैं सबके बाजू में हूं। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है और वो बहुत ही आलिंगन कर लेता है हमसे, तो कितना व्यक्ति आलिंगन करेगा वो प्रेम से, वो व्यक्ति जितना किसी करीब आएगा उससे ज्यादा करीब भगवान हमेशा हमारे है। तो भगवान हमारे करीब है, हम भगवान से दूर है। हमने हमारा चेहरा जो है मुखमुख हो गए, क्या है पद्म पुराण में बताया गया है कि अतः श्री कृष्ण भाव नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियई सेवोन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। कि अभी क्योंकि हम भौतिक चीजों में बहुत आसक्त हो गए तो हम भगवान से विमुख हो गए, पर जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो उसके द्वारा उनकी ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो अभी भगवान अभी भी हमारे साथ में है। और यह जब हम समझते हैं तो इस भौतिक जगत में हमें क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है। भगवान कहते हैं कि अगर मई एव मना दत्सो मई बुद्धि निवेश, यही बात कई बार बोलते हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि मां एवैश्यस्य असंशय, दो बार बोलते हैं भगवान कि आप आपके मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। तो अगर आप आपका मन और बुद्धि मुझ में लगाओगे तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे सानिध्य में हो और यही सानिध्य के साथ आप भगवत धाम भी पहुंच जाओगे। तो अभी ये एब्जॉर्बशन जो है भगवान में स्मरण कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि
अरे मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां है, यहाँ जाना है वहां जाना है, कैसे भगवान का स्मरण कैसे कर सकता हूँ, मैं तो 24 घंटे बैठ के जप नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता। नहीं, वैसे जरूरी नहीं है स्मरण करना। स्मरण कैसे होता है, वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने नौकरी के लिए जाए, कहीं गया है, अपने घर जहां पे उनका घर है, परिवार है, उनसे दूर वो नौकरी के लिए गए हैं, तो अभी वो जहां पे भी नौकरी कर रहे हैं वहां पे अलग अलग उसे मिलते हैं, अलग अलग डील्स करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, पर उस सब में क्या है, उनके मन में स्मरण है कि मैं ये परिवार, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, उन सबके लिए मैं कर रहा हूँ। बाह्य रूप से वो उनके परिवार के पास नहीं है अभी, पर द कनेक्शन इज थ्रू इंटेंशन। वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य कर रहे किस तरह से, वो बाह्य रूप से कार्य अलग है, पर अंदर रूप से उद्देश्य है वो भगवान, वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं उसी तरह से जो भक्त होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं, पर उन सब में जो उद्देश्य होता है वह भगवान की सेवा होती है। अगर हम परिवार की देखभाल कर रहे हैं तो ये मेरा परिवार नहीं है, ये भगवान के भक्त, ये सब आत्मा जो भगवान के अंश है, और ये सबको भगवान की योजना के द्वारा मेरे परिवार में है, तो मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ, ये भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो वह भी कर रहा हूँ मैं, भगवान ने मुझे कुछ क्षमताएं दी है, कुछ प्रतिभाएं दी है, तो ये मैं उनकी सेवा में इस्तेमाल करने वाला हूं। भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा आप पूजा करो, अभी अपने कर्म के द्वारा मेरी पूजा करो। कुछ लोग इसका भाषांतर ऐसे कर लेते हैं, कर्म ही पूजा है। अभी कर्म ही पूजा यदि होती तो गधा सबसे बड़ा पुजारी हो जाता। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म ही पूजा है, भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा आप भगवान की पूजा करो। कर्म ही पूजा यदि होती तो फिर कोई चोर है बोला मैं मेरे चोरी कर रहा हूं, वो भी कर्म है, वो भी पूजा है। कोई भिखारी है बोला मैं भीख मांग रहा हूं, वो भी पूजा है, ऐसे नहीं है। भगवान का भाव यह है कि हम एक सेवा के भाव से कार्य करें, तो वो भाव से जब हम कार्य करते हैं तो फिर जो भी हम करते हैं वह एक भगवान की सेवा हो जाती है। इसलिए अभी मान लीजिए ये जो भाव है, कोई परिवार का सदस्य है, गृहस्थ है, वो अपने परिवार से दूर है और वो अलग अलग कार्य कर रहा है, तो अभी कैसे पता है कि वो अपने लिए कार्य कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो उसका उसके लिए क्या है, जब वो अपने परिवार के साथ होते हैं, घर आते अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपने पत्नी के साथ होते हैं, तो फिर बड़े स्नेह से उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से जब हम दुनिया में अलग अलग कार्य करते हैं, पर जब हमें भक्ति करने का मौका मिलता है, मंदिर में आना है, सत्संग में आना है, कथा सुनना है, तो बड़े उत्साह से करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पति है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वहां पे रहता हूं पर हमेशा आपके बारे में विचार करता हूं, पर जब वो घर में आए हैं और उनकी पत्नी उनसे बात कर रही है और अपने फोन पे कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो वो पत्नी बोलेगी कि जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जब मेरे सामने नहीं होगे तो कैसे ध्यान दे रहे हो। तो ठीक उसी तरह से जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हमें मौका मिलता है डायरेक्टली भक्ति करने का, तो एक तरह से एक है, देयर इज एक्सक्लूसिव डिवोशन एंड देयर इज इंक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब हम बाकी सब चीजों को दूर रखें, सिर्फ भगवान की स्मरण करते, भगवान की सेवा करते। जैसे अभी हम आप सत्संग में आए हुए हैं, कीर्तन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो अभी सारी हमारी दुनिया की जिम्मेदारियां है वो सबको बाजू को रख के हम पूरा ध्यान भगवान में लगाते हैं। यह है एक्सक्लूसिव डिवोशन। और इंक्लूसिव डिवोशन मतलब कि हम दूसरे कार्य कर रहे हैं वो सब हम सेवा भाव में करते हैं, पर वो जो इंक्लूसिव डिवोशन संभव नहीं है जब तक हम एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं करते। जब हम डायरेक्टली जब सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग में आके हम भगवान का स्मरण नहीं करते, अगर वैसे नहीं करेंगे तो वो सेवा भाव नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम उनको कहते हैं जप करो, थे भगवान का नाम तो 24 घंटे अंदर चलते ही रहता है। अगर 24 घंटे अंदर चलता है तो एक मिनट के लिए जिह्वा पे क्यों नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं भाव से आप इतना हरे कृष्ण बोलते रहते हो, अब एक बार भाव से बोलना चाहिए।
हाँ सही है, एक बार भाव से बोलना चाहिए, पर वो भाव का ही तो अभाव है और वो भाव आएगा कहां से? वो भाव आएगा साधना भक्ति से। वो कहते हैं एक बार भाव से भगवान का नाम लो आप शुद्ध हो जाओ, सही है वो, पर वो कैसे है? कोई 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 धनुष की विद्या खेल रहा है, ओलंपिक्स में आर्चर है, तो वो कहता है कि एक बार आप तीर को मारो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। वो सही है, पर वो एक बार तीर निशाने के लगने के लिए क्या होता है? सैकड़ों हजारों बार वो प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरह से साधना भक्ति जो है, हम जरूर हमारा कर्म है, हमारा परिवार है, हमारा नौकरी है, वो सब हम सेवा भाव में कर सकते हैं, पर वो सेवा भाव में करने के लिए हमें डायरेक्ट भक्ति करनी है, हमें जप करना है, भजन करना है, सत्संग करना है, पूजा करनी है, उसके द्वारा हमारी चेतना भगवान में लग जाती है। इस तरह से जब हम एब्जॉर्प्शन आएगा, लीन हो गए भगवान में, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे भौतिक जगत में उसके द्वारा हम प्रगतिशील रहेंगे भगवान की। कोई सवाल है किसी का अब तक? यस प्लीज। हरे कृष्ण। भगवान का सैंक्शन है या नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। अगर हम ये मान के वो काम करें कि भगवान मुझे ये काम दिया है और हमें अच्छी तरह करना चाहिए, ये भक्ति करें या भगवान का ध्यान भी करें उस टाइम काम के टाइम में? ओके, तो अभी अगर हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो जो भगवान ने की योजना से मुझे मिला है तो इसीलिए ध्यान पूर्वक काम करें या भगवान का स्मरण भी करने का प्रयास करें वहां पे। तो अभी सबसे पहला है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अभी जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन पूरा ध्यान लगा के युद्ध कर रहे थे, ऐसे नहीं कि वो धनुष मार रहे थे तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो पूरा ध्यान लगा के वो क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। और वो युद्ध करने के लिए उसके पहले जब वो दिन रात प्रयास करते थे वो धनुर्विद्या में निपुण होने के लिए। तो जब हम भगवान का स्मरण करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे हो जाते हैं, आधा मन हमारे काम में लगाओ आधा मन भगवान में लगाओ, ऐसे नहीं है। हम पूरा, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो पूरा मन भगवान में लगाओ और काम करो, पर हम जो भक्ति करते हैं भक्ति से वो सेवा भाव जागृत होता है, और जब सेवा भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? धीरे धीरे जो हम कार्य कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में चला जाता है, और किसके लिए कार्य कर रहे हैं वो फोरग्राउंड में आता है। जैसे अगर कोई पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करता है, तो पहले बार जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो लोगों को क्या होता है? स्टेज फ्राइट हो जाता है, डरते लोग कैसे बोलेंगे। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर कर रहे हैं, अरे इतने सारे लोग मेरी ओर देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, तो क्या होता है, हम जो हमारी परिस्थिति है वो हमारे हमारे चेतना में बहुत रहती है, और मैं क्या बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं वो पीछे चला जाता है, भय आ जाता है। पर अगर किसी ने बहुत बार लोग प्रवचन दिए है, पब्लिक में बोला हुआ है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो कहां हूं मैं, कितने लोग हैं, लोगों का क्या भाव है, वो चेतना में रहता है पर वो प्रोमिनेंट नहीं रहता है। प्रोमिनेंट क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं। अगर वो भक्ति के भगवान के बारे में बता रहे हैं तो मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं। जो प्रभुपाद जी के साथ भक्त थे, उनके जो सेवक हुए थे, बोला करते थे कि प्रभुपाद जी 100,000 लोगों को सत्संग का कार्यक्रम दे रहे हो या अपने कमरे में 2-3 लोगों को अपना दर्शन दे रहे हैं। जब कृष्ण के बारे में बोलते थे वो उत्साह से बोलते थे, क्योंकि ही वॉज नॉट जस्ट स्पीकिंग टू द पीपल, ही वॉज स्पीकिंग फॉर कृष्ण। कि वो किस जगह पे बोल रहे हैं बहुत ज्ञान था उनका जरूर, पर किस उद्देश्य से बोल रहे हैं वो ज्यादा ज्ञात था। तो क्या होगा, अगर हम अच्छी तरह, हम जो कर्म कर रहा है अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक करना है, पर कर्म करने के पहले हम भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं, और कर्म होने के बाद नारायण समर्पयामि, ये मैं आपके लिए किया। और ऐसे जब हम करेंगे और भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा कर्म मन लगेगा, और उसके साथ साथ मैं किस लिए कर रहा हूं, जो भगवान पहले बैकग्राउंड में होंगे, जितना हम भक्ति करेंगे जितना हम प्रगति करेंगे
भगवान फोरग्राउंड में आ जाएंगे। तो ये जो स्मरण है, ऐसे नहीं है कि हम हमारा काम अच्छी तरह से न करें और भगवान का स्मरण करें। जो भी काम है पूरा दिल लगा के करना है, पर उसमें जो भाव है वो हमें भगवान के स्मरण का लगाना है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी लास्ट पॉइंट जो है कि अभी जो एटीट्यूड है कि किस भाव से हम ये आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करें। कभी कभी कहीं जाना होता है, किसी देश में जाना होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। खास करके अगर अमेरिका जाना है, तो मैं जब 20-25 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी मैंने GRE दिया था और कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला था। पर तभी वहां पे हायर एजुकेशन पे जाना था, पर प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे हाईएस्ट एजुकेशन मिल गया। तो राज विद्या राजगुहम जो भगवान कहते हैं, तो तभी तो मैं गया नहीं। और मेरे कई रिश्तेदार थे, वो बड़े नाराज हो गए, तुमने मौका गवा दिया। तो अभी 15-20 साल के बाद जब मैं प्रचार करने के लिए अमेरिका गया, तो जब मैं अमेरिका से वापस आया, तो मेरे सारे रिश्तेदार, अनेक रिश्तेदार जिनको 20 साल से मुझे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया था, वो मुझे फोन करके बोलने लगे, आपका जीवन अभी यशस्वी हो गया। तो अभी इतना उनको अमेरिका जाने की इच्छा है। मैं अमेरिका के इमिग्रेशन में था और वहां पे एक व्यक्ति रो रहा था, और क्या हो गया, और रो रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, जैसे चैतन्य चरितामृत में कोई एक्सट्रेस में जाते हैं तो अष्टविकार होते हैं, वैसे अष्टविकार। तो बोले क्या हो गया, फिर बात करता, बोला कि मैं 12 बार ट्राई किया था अमेरिकन वीजा, फिर नहीं हुआ, अभी 13वें बार हो गया। तो अभी 13वां नंबर है, अमंगल है, अमंगल भी पता नहीं। तो इतनी इच्छा होती है, प्रयास करते रहते, एक बार नहीं हुआ, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार। तो जो जो लोग सही में दृढ़ संकल्प होते हैं, वो उनका दृढ़ संकल्प होता है, वो कभी आशा हारते नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी हमें हताश नहीं होना है। कभी कभी हमें लगेगा कि मेरे परिस्थिति इतनी विपरीत है, शायद मेरे परिवार वाले मुझे मेरे भक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा मन और इंद्रिया जो है वो इतने अनियंत्रित है, अलग अलग प्रकार की वासनाएं आ जाती है, मुझे भक्ति में रस नहीं, उत्साह नहीं लग रहा है। अनेक कारण हो सकते हैं जिससे कि हम हताश हो सकते हैं, पर एक कारण पर्याप्त है हताश न होने के लिए, और वह क्या है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी के कोई वरिष्ठ शिष्य है, और कई ऐसे भक्त होते हैं, वो वास्तव में भगवान की खोज में निकले, घर छोड़ दिया, या आध्यात्मिक खोज बड़ी गंभीरता से ली, और दुनिया भर वो भगवान को खोजने को निकले। अभी हमसे में से अधिकांश लोग तो भगवान को खोजने को नहीं निकले थे, अधिकांश लोग कैसे, भगवान के भक्त हमें खोजने को निकले थे। और उसके कारण हम भक्ति में आए। तो वास्तव में अगर हम देखेंगे कि हम अगर भक्ति में आए हैं और भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज इन स्पाइट ऑफ अस। तो कई बार हम सोच, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, पर हम कई बार भक्ति के विपरीत कितनी इच्छाएं होती हैं, कितने कार्य होते हैं, उसके बावजूद भगवान ने हमारे हमको उनके पास लाया है, उनके मार्ग में लाया है। तो कैसे है कि कोई बालक होता है, उसको कहीं जाना है, कोई बगीचा है, कोई डिस्नीलैंड है, वहां पर जाना है, तो वो उत्साह से दौड़ते हो जाएगा। पर अगर कहीं हॉस्पिटल में इंजेक्शन देना है, वहां पर जाना ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या है, वो जाएगा, माता पिता लेके भी जाएंगे, तो फिर वो जमीन को पकड़ के रखता है, तो खींच के लेके आना पड़ता है। तो हमको, हम वो पहले कैटेगरी में नहीं है, दूसरे कैटेगरी में है। वास्तव में भगवान हमको लेके जा रहे हैं, तो हमारे बावजूद भगवान ने हमें इस मार्ग में लाया है। और कभी कभी अगर लगता है हमको कि जो भगवान ने हमको यहां तक लाया है, अगर हम हमारे जीवन में देखते हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले भक्ति जब चालू की है, तो हम जरूर देखें कि हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन ही सबूत है कि भगवान हमारे साथ है और भगवान हमें आगे लेके जाएंगे। तो जो भगवान हमें यहां तक ले आए हैं, वो हमें आगे तक भी ले जाएंगे।
जो भौतिक जगत जो है ये एक मैराथन है, और ये उसमें अगर मानव जीवन मिल गया है, मानव जीवन में भक्ति मिल गई है, तो मतलब ये एक मैराथन का लास्ट लैप है, आखिरी भाग है। तो हम वो पूरा मैराथन बिना हमको पता हुए हमने भाग चुके हैं, अभी आखिरी दौड़ आ गया, तो अभी आगे चलते रहेंगे तो जरूर हम पहुंच जाएंगे। तो बी नॉट फ्रेटफुल और फियरफुल, बी फेथफुल। फ्रेटफुल मतलब हमेशा हताश रहना, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। अगर हम सबको देखना है मैं दुनिया में क्या, हमारे जीवन में क्या क्या गलत हुआ है, सबके जीवन में इतना सारा गलत हुआ है। मैं कनाडा में था, एक भक्त है, वो साइकोलॉजिस्ट है, तो वो बोले थे कि मैं अभी तक इंडिविजुअल थेरेपी करता था, एक एक व्यक्ति से मिलता था, तो अभी मैं ग्रुप थेरेपी कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोला कि अरे अगर 5-10-15 लोग रह गए तो कौन अपने सारे जीवन की दुख कहानी सबको बताएगा। तो बोले कि नहीं, हमारा कोर्स होता है कि किसी को कुछ बताने का नहीं, आप सब कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। पर वो बोले कि जैसे ग्रुप थेरेपी करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि सबको, सबका मन उनको बोलता है कि तुम्हारे जैसा समस्या किसी को नहीं है। फ्यू थिंग्स मेक अस एज अनहैप्पी as the belief that everyone else is happy. हमको ऐसे लगता है कि मैं, हम और जितने भी दुखी है हम और दुखी इसलिए बन जाते हैं, को लगता है कि बाकी सब लोग सुखी है, पर वास्तव में सबके जीवन में दुख है। तो सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में समस्या है। तो बताए थे कि उन्होंने एक बार एक्सरसाइज किया कि अगर बौद्धिक स्तर पर हो, सबने अपने अपनी समस्याएं बताई, क्या क्या उनके जीवन में समस्या, दुख हुए हैं, समस्या है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके पास शक्ति होती कि आप आपकी समस्या किसी और को देंगे और दूसरे की समस्या आप लेंगे, तो आप कोई किसी का एक्सचेंज करना चाहेगा? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो क्या है, सबके जीवन में समस्या है। तो क्या है, हम सबको दक्ष बनना है कि वो समस्याओं को ना देखे, जो भगवान है समस्याओं से मार दिखा रहे हैं वो देखे। हम सब क्या है, एक तरह से एक्सपर्ट है, हम सब वी आर ऑल एक्सपर्ट इन ब्लेमिंग आवर सिचुएशंस, कि हमारे परिस्थिति को दोष देने में, अरे ये ऐसा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये ऐसा है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ये ऐसा है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। ये सही है, वो परिस्थितियां है, पर परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं फायदा होता। वो परिस्थितियों में भी मैं कैसे भक्ति कर सकता हूं ये देखना है। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में बुरा हुआ है वह सब हुआ है, पर भगवान इतने दक्ष है कि कृष्णा कैन ब्रिंग गुड इवन आउट ऑफ द बैड। जो बुरा भी हमने किया है, किसी ने हमारे साथ किया है, वो सब के बावजूद भगवान वो बुरे से भी अच्छा ला सकते हैं। तो हमने गलती भी की है तो ऐसे कोई भी गलती ऐसे हमेशा के लिए नहीं होती है, भगवान हमारे गलतियों से भी सही मार्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप GPS यूज करके कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी मैं सुबह अबू धाबी से यहाँ पे आया तो हम ड्राइविंग कर रहे थे, और मान लीजिए GPS बोलता है आप राइट में जाओ और व्यक्ति लेफ्ट में चला जाता है, तो फिर तभी क्या होता है, GPS क्या करता है, तभी रीराउट करके तुरंत बोलता है अभी ऐसे जाओ आप। तो GPS ये नहीं कहता मैं तुमको राइट बोला था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, गेट लॉस्ट। तो भगवान है ये अल्टीमेट GPS है। तो भले ही हमने गलतियां भी क्यों ना क्यों हो, कितनी भी गलतियां की हो, भगवान हमारे साथ है। और किसी ने हमारे, किसी ने हमको गुमराह भी किया हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, फिर भी जो बुरे से भी भगवान अच्छा लाने में दक्ष है। तो इसलिए जो भूत हो गया है वो छोड़ दो, भगवान उसको देख लेंगे, भगवान उसे जो भी अच्छा है लाना है वो लेके आएंगे। और जो भविष्य है, अभी भविष्य में क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, तो भूत के बारे में हम फ्रेटफुल हो सकते हैं, बहुत खेद करते रह सकते हैं, और भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं, फियरफुल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मैं रोज गीता पे एक लेख लिखता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है गीता डेली, मतलब उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है फेसबुक पे, तो वहां पे मैं एक लेख लिखा था गीता डेली पे कि क्या है चिंता, ये क्या है, वरी इज लाइक द टैक्स वी पे on loans we haven't yet taken.
चिंता ये क्या है, ये ऐसा है हम टैक्स भर रहे हैं उन कर्जों के लिए जो हमने तक लिया ही नहीं अब तक। मतलब क्या, अरे ये ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। अभी हम इतनी सारी चीजों के बारे चिंता करते हैं, वो वास्तव में बहुत सी चीजें होते ही नहीं है पर हम चिंता करते रहते हैं। तो भविष्य में जो आएगा भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे। वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट वी नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। हमें पता नहीं है कि भविष्य में क्या है हमारे लिए, पर भविष्य किसके हाथ में है वो हमें पता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि महान्तमेन कश्चन। इसीलिए अगर हम फेथफुल श्रद्धावान बन जाते हैं, भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति करते हैं, तो फिर जो भी समस्याएं आएगी भगवान हमें उनके परे जाने में मदद करेंगे। भगवान के आश्रय से ये भौतिक जगत में समस्या जो भी आएगी उसके परे हम जाएंगे और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। तो यही ये भक्ति की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह भौतिक जगत से भगवत धाम तक जा सकते हैं। वही भगवान जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ दिया है वह अभी भी हमारे साथ है, और वही भगवान जो हम यहाँ तक लाए हैं वो आगे भगवत धाम तक भी हमें जरूर ले जाएगी। यस, तो मैं क्लिक एक सारांश बोल दूंगा क्लास का। चार पॉइंट हमने देखे। सबसे पहला पॉइंट था आध्यात्मिक जगह जाना है तो इच्छा, और इच्छा हम जागरूक कैसे करते हैं कि सबसे पहले ये समझना कि मेरी शाश्वत जीवन की इच्छा जो है वो मेरे शाश्वत विभाग से आती है, वो है आत्मा। और शाश्वत प्रेम की जो इच्छा है उसकी शाश्वत वस्तु है भगवान। इस दुनिया में जो भी आकर्षक चीजें हैं वो भगवान से ही आती है, पर वो हमें भगवान के पास लेनी जाती है। तो वो चीजों पर केंद्र करना है जो मुझे भगवान के पास ले जाएगी। दूसरा भाग क्या था, पात्रता। पात्रता हम सब में, हमारी कोई पात्रता नहीं है पर भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम ही हमारी पात्रता है। क्योंकि भगवान चाहते हैं हम आ जाए, तो इसीलिए उनकी कृपा से हम जरूर वहां पे पहुंच सकते हैं। तीसरा था पद्धति या प्रक्रिया। पद्धति में हम देखा कि क्या है, आध्यात्मिक जगत जाना केवल शारीरिक स्तर पर जाना नहीं है, चेतना के स्तर पर जाना है। तो हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। तो भक्ति जो है डायरेक्टली हम करते हैं सत्संग में आके, पूजा सेवा भजन करके, और फिर इंक्लूसिवली जो इनडायरेक्टली या इंक्लूसिवली करते हैं, हमारा जो कर्तव्य है परिवार है कर नौकरी है वो सब सेवा भाव में करके, और ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे भगवान हमारे चेतना के केंद्र में आएंगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम सचेत रहेंगे पर भगवान का उद्देश्य के रूप में हम उनका स्मरण करेंगे। और अंत में क्या है, जो हमारा एटीट्यूड जो भाव है कि भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति करना बड़ा मुश्किल लगे पर भगवान हमेशा हमारे साथ है, और जो भगवान हमें यहाँ तक ले आए हैं वह भगवान हमारे साथ रहकर हमारे पूर्व में जो भी बुरा हुआ है उससे अच्छा लाएंगे, भविष्य में जो भी आएगा उसमें भी वो संरक्षण करेंगे और वो हमें उन तक जरूर पहुँचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Yes, पीछे कोई सवाल है, एक माइक है वहां पे। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने की जो इच्छा है कि मजबूरी है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने की ये वास्तव में जो इच्छा है या मजबूरी है। यस, अच्छा सवाल है। तो सवाल ये है, हाँ यस समझ गया। भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक संसार में जाने की इच्छा वास्तव में एक इच्छा है या एक मजबूरी? ये इच्छा है या मजबूरी है, वास्तव में ये कई बार वो जो इच्छा की शुरुआत मजबूरी हो सकती है, पर वो इच्छा वास्तव में जागृत होनी चाहिए। मतलब कैसे होता है, ऐसे इंग्लिश में कहा होता है देयर आर नो एथीस्ट इन द फॉक्स होल। फॉक्स होल मतलब कोई मृत्यु के पास में आ गया है तो फिर भगवान को पुकारते हैं, भगवान की मदद करते हैं। तो कई बार मजबूरी के कारण हम भगवान के पास जा सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति जो की जो शुरुआत है कभी कभी मजबूरी से होती है। क्या होता है कि ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, ये समस्या है, इन किसी का हल नहीं मिल रहा है, तो फिर अब भगवान के पास जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम भगवान के पास आए ये अच्छा है, पर
अगर हम केवल मजबूरी के कारण भगवान से आपके पास आ रहे हैं तो उसका 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 एक बुरी उसकी अच्छी एक अच्छी अच्छी बात यह है कि भगवान के पास आ रहे हैं, पर एक बात उसकी अच्छी नहीं है कि जब मजबूरी चली जाएगी तो हम बड़ी बड़ी समस्या आ गई, बड़ी क्रूरता से भगवान की भक्ति करते हैं और समस्या चली जाएगी, थैंक यू बाय बाय ऐसे हो जाएगा। कई बार अभी मैं पुणे में था तो हमारे मंदिर के बाजू में एक एक विद्यालय था और वो विद्यालय के विद्यार्थी साल भर मंदिर में नहीं आते थे पर मई में सब मंदिर में आने लगते थे। तो अभी क्या है कि मई कोई भक्ति उत्पादन करने वाला महीना नहीं है पर क्या है वहां पे परीक्षा है, तो हे भगवान मुझे पास कर दो आप। तो फिर क्या है मजबूरी के कारण हम आ सकते हैं भगवान के पास और किसी भी तरह से आए वो अच्छा है, पर उसके बाद में अगर हम भक्तों का संग करते हैं और तत्वज्ञान समझते हैं और जो वास्तव में मजबूरी के कारण भगवान के पास नहीं आए जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के पास आए ऐसे भक्तों का संग करते हैं उनसे तत्वज्ञान समझते हैं तो फिर हमारी भक्ति जो है वो स्थिर हो जाएगी, नहीं तो फिर वो भक्ति केवल मजबूरी के कारण आएगी, मजबूरी चली जाएगी तो चली जाएगी। तो इसलिए हमें किसी भी तरह से व्यक्ति भगवान के पास क्यों ना आए वो अच्छी बात है, पर अगर उसमें अग्रसर रहना है तो केवल नकारात्मक कारण पर्याप्त नहीं है। ये भौतिक जगत इतना दुखाल है इसलिए मुझे भगवत धाम जाना है, ये नकारात्मक कारण पर्याप्त नहीं है क्योंकि दुख लगता है कभी कभी, कभी कभी सुख भी लगता है, कभी लगता तो है कभी सुख मिल जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि नकारात्मक कारण से हमें भक्ति शुरुआत कर सकते हैं पर जो सकारात्मक कारण से अग्रसर होते हैं। इसलिए सत्संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, खास करके उन भक्तों का संग करना जो भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ दुख से निवारण के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, कहाँ है? ओके, यस। बाबू जी, जैसे आपने सुना है कि हमारे पास फ्री विल है, डिजायर है, तो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि जो हमारा डिजायर, जैसे अभी आपने इच्छा के बारे में बताया कि मजबूरी नहीं है और सकारात्मक रूप से अगर हम लोग आते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, बट समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि हमारे दूसरे जो व्यक्ति को जो हम बताते हैं कृष्णा के बारे में उनकी इच्छा को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि सकारात्मक रूप से आए बट वो आते नहीं है उसमें, तो बेसिकली वॉट अगर हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरों को भक्ति मिलाने का प्रयास करते हैं पर उनमें वो इच्छा जागृति नहीं होती है तो क्या उनको भगवान मदद नहीं कर रहे हैं या क्या हो रहा है? वास्तव में दो चीजें हैं इसमें कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम सब जीव उनके पास आए पर भगवान हर एक जीव की स्वेच्छा को का आदर करते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते किसी से, और अलग अलग लोग उनके आध्यात्मिक आध्यात्मिक जर्नी सफर में अलग अलग स्तर पे हैं, तो कुछ लोग शायद अभी तैयार नहीं है भक्ति के लिए और ये शायद हमारी कमी भी नहीं है। प्रभुपाद जी स्वयं 30-40 साल तक भारत में प्रचार कर रहे थे पर ज्यादा लोग भक्त नहीं बन पाए थे, वे लोग पुण्यवान थे पर एक साधना भक्ति का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कभी कभी क्या होता है परिस्थिति और मनस्थिति ऐसे हो सकती है कि व्यक्ति तभी भक्ति के लिए तैयार ना हो। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि लोगों को मार्ग दिखाना, अगर वो मार्ग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम एक अच्छी तरह से If we cannot establish a spiritual connection, let's establish a human connection. मतलब अगर वो आध्यात्मिक बनना नहीं चाहते तो कौन से अच्छी तरह से बातचीत करके, प्रभुपाद जी कहा करते कि devotee should be like gentlemen and ladies. तो लोगों को लगना चाहिए कि मैं अच्छे व्यक्ति से मिला, वो जो कर रहे हैं मैं करना नहीं चाहता अभी पर ये अच्छे व्यक्ति है, तो उससे क्या होता है हमने उनको मार्ग दिखा दिया है और जब उनकी परिस्थिति कुछ बदल जाएगी, शायद उनके जीवन में कुछ समस्या आ जाएगी या कभी कभी उनके जीवन में अभी उनकी बहुत इच्छा है कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है और फिर वो करने के बाद उनको पता चलता है कि अरे इसमें इतनी संतुष्ट नहीं है तो मुझे कभी और क्या करना चाहिए, तो फिर तभी वो भगवान की ओर आए। तो
तो हमें हमें हमको मार्ग दिखाना है, दरवाजा खोलना है, पर उसके बाद में अगर वो चलते नहीं है तो आते नहीं है, ठीक है, एक सकारात्मक रूप में उनसे संबंध जोड़ के वहीं पे छोड़ना है। कभी कभी क्या होता है, अगर वो आते नहीं है, दरवाजा खोलते हैं, तो क्या करते हैं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं उनके मुंह में, तुम माया में होगी। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अभी तक लोग तैयार नहीं है, तो उनको हम जिस स्तर पे है उस स्तर पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संकीर्णम्, जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरेत्। भगवान कहते हैं कि लोगों के मन को विचलित मत करो। तो वो जिस स्तर पे है उस स्तर पे उनको आगे बढ़ने का कुछ कुछ युक्ति करो, कुछ उनको सुविधा दो। तो यहाँ पे दूसरी चीज जो आती, पहले है कि हमको दरवाजा खोल के रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम देख सकते हैं कि मैं किस हद तक, किस तरह से भक्ति उनके लिए रेलिवेंट बना सकता हूँ, कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण है, दिखा सकता हूँ। कैसे है कि अगर ये भक्ति का सर्कल है और ये सर्कल है उन लोगों के इंटरेस्ट का, तो अभी ये दो सर्कल कहाँ मिलते हैं, वहां अगर हम देखते हैं तो कभी हमको लगे मिलते ही नहीं है। पर ऐसे नहीं है कि भक्ति सिर्फ ये कार्य करेंगे तो भक्ति है। अगर हम देखिए दोनों में कैसे मिलाप ला सकते हैं, तो फिर अगर हम उसमें थोड़ा अन्वेषण करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, शायद भगवान हमें मार्ग दे सकते हैं। मैं अमेरिका में था, एक परिवार के घर में था वहां पे, और वो बहुत पति पत्नी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, PhD है दोनों, और दोनों बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। अब उनका जो बच्चा है वह रोबोटिक्स में ब्रिलियंट है, और लगभग 10 साल का होगा, पर वो अमेरिका के नेशनल लेवल रोबोट बनाने के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अभी वो बता रहे थे कि रोबोट बनाने में इतना उत्साही है पर इसको भक्ति में कोई उत्साह नहीं है, तो हम क्या करें। तो फिर मैं उससे बात कर रहा था, पता था कि आप रोबोट कैसे बनाते हो, क्या क्या किस चीज के रोबोट बनाते हो। तो फिर वो बड़े उत्साह से, जब भक्ति की बात करें तो कुछ उत्साह नहीं था, पर रोबोट के बारे में तो जैसे कि जीवन जीवन का प्रेम है रोबोट के प्रति, से उत्साह से बात कर रहा था। फिर मैंने इस बात हो रही थी, फिर उसको पूछा कि आप रोबोट्स कैसा रोबो बनाना है, इसके आइडिया आप कहाँ से लाते हो। बोलते हम अधिकांश रूप से जो अमेजोन के लिए रोबोट सकते हैं वो सारा पैकिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, वो उसके लिए रोबोट बनाते हैं। कहते आपको कुछ नया आइडिया मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ नया आइडिया तो हमको कॉम्पिटिशन में जीतने का और मौका मिलता है। तो फिर बोले कि तो आप ऐसे रोबो बना सकते हो, मैंने सुझाव दिया उनको कि अभी कृष्ण भगवद्गीता बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, तो इसका आप रोबो बना सकते हो। बोला नहीं नहीं, वो चला गया वहां पे। फिर बाद में 5 मिनट बाद आया, फिर बाद में बोले वो वास्तव में ये आइडिया तो अप्रतिम हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं करने वाला है, तो माय प्रेजेंटेशन विल बी यूनिक। तो अभी उसके बाद में उसके माता पिता ने कॉल किया था, बता रहे थे कि अभी बड़े उत्साह से भगवद्गीता पढ़ रहा है क्योंकि उसके रोबोट को भगवद्गीता बुलवाना है उससे। तो भले ही वो तैयार नहीं है, तो हम देख सकते कि उनकी रुचि क्या है, उस रुचि में हम भक्ति कैसे ला सकते हैं। ऐसे नहीं बोलना कि उनकी जो रुचि माया ही है, पर उनकी रुचि जो है उसमें हम भक्ति कैसे ला सकते हैं, अगर वो देखेंगे तो हम देख सकते उनको भी भगवान से हम जोड़ सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।